अभी ये वेबकैम ट्राइपॉड के साथ कनेक्टेड है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो आपको दिखाने वाला है वो एक वेबकैम के ऊपर है। एक्चुअली मैंने एक वेबकैम परचेस किया है, तो ये लेनोवो कंपनी का है। इसका जो मॉडल नंबर है लेनोवो 300 FHD वेबकैम। खास करके इसका जो रेजोल्यूशन है ये फुल HD क्वालिटी का है और इसका जो रेजोल्यूशन है 1920x1080 का रेजोल्यूशन है और इसमें 2.1 मेगापिक्सल CMOS कैमरा है और इसका जो ये वेबकैम का जो FPS है, फ्रेम पर सेकेंड है, बाई डिफॉल्ट ये 30 है और इसके साथ साथ ये अल्ट्रा वाइड 95 डिग्री लेंस इसमें अवेलेबल है। और इसमें और एक चीज़ है, ये 12 MIC है, वो फुल HD क्वालिटी का है। उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको बोलना है, वो बहुत ही ज़रूरी है, इसके साथ कोई भी CD नहीं दिया गया है क्योंकि ये प्लग एंड प्ले सपोर्ट करता है। जब भी चाहोगे आप लैपटॉप और सब डेस्कटॉप के साथ प्लग इन करोगे और प्लग आउट करोगे, जब भी प्लग इन होगा तो चलोगे, प्लग आउट कर लोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ 1.8 मीटर एक USB केबल इसके साथ दिया गया है कि किसी के ये USB केबल के द्वारा आप कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ ये कनेक्ट कर सकते हो और ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा। विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में ये काम दोनों में ही ऑपरेट होगा। और उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको बोलना ज़रूरी है, इसमें 360 डिग्री टोटली रोटेशन, ये टोटली 360 रोटेशन होगा। उसके साथ साथ इसमें टिल कंट्रोल भी होगा। टिल मतलब ये थोड़ा साइड में भी बेंड होगा, ये ऑप्शन इसमें है। उसके साथ साथ इसमें जो फ्लेक्सिबल माउंटिंग मेकानिज्म जो है वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो फिजिकली हम तो आपको दिखाएंगे इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, वो सब कुछ दिखाएंगे। और ये और एक चीज़ है, ये कोई भी ट्राइपॉड के साथ तो कनेक्ट होगा ही। उसके साथ साथ इसमें एक्सटर्नल प्राइवेसी शटर आपको मिलेगा, वो मैनुअल आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब भी चाहोगे तब भी ये एक्सटर्नल प्राइवेसी जो शटर है, आप जो लेंस है उसमें आप गार्ड दे दीजिए तो ये बंद हो जाएगा। आप जिस टाइम चाहोगे तो उसको हटा के, मैनुअली हटा के आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी ये इसको अभी ये जो वेबकैम मैंने अमेजन से परचेस किया है, इसके जो प्राइस हमको देना पड़ा 1689 हमको देना पड़ा। और उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको बोलना ज़रूरी है, कोई भी कंपनी और एजेंसी मेरे साथ टाई अप नहीं किया, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको रिव्यू करते हैं। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। कंपनी लेनोवो कंपनी लिखा है इसमें और स्टिकर भी है इसमें और कुछ 1 ईयर इसका लिमिटेड वारंटी ऐसा लिखा हुआ है। मेड इन चाइना फैब्रिक इन चाइना ऐसा कुछ लिखा है, इसका लिमिटेड वारंटी 1 ईयर वारंटी ऐसा दिखा रहा है। बहुत ही हार्ड है ये बॉक्स, बहुत ही सुंदर है, हार्ड क्वालिटी है, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड नहीं पेपर का ही है, हार्ड है। चंद्र कलर की इसमें 2.1 ये इस दिखे भी तस्वीर को अच्छा दिख रहा है, ये लोगों को दिखा रहा है। Lenovo 300 FHD वेबकैम ग्रे कलर दिखा रहा है और कुछ कुछ ऐसा है, ज़रूरत नहीं है इसको देखने के लिए, तो इसको छोड़ देते हैं, पास में रख देते हैं। इसके अंदर और कुछ है क्या देख लेते हैं। हाँ, दो पेपर है इसमें, वेबसाइट ऐसा कुछ लिखा है,
वो कैसे कनेक्ट करेंगे ऐसा कुछ लिखा है, आप जब परचेस करेंगे तो देख लेना उसमें, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है उसमें। फर्स्ट इसका जो खास चीज़ है, खास स्पेशलिटी है, देखिए ये 360 रोटेशन है और उसके साथ साथ ये टेल भी होता है और ये एक एक्सटर्नल प्राइवेसी शटर है, जब आपको नहीं लगेगा तो आप उसे ऐसे करके बंद कर देना। इसमें रबर सपोर्ट है कुछ, ठीक है, कोई भी लैपटॉप के साथ और डेस्कटॉप के साथ आप जब कनेक्ट करेंगे तो ऐसे उसको लगा देना तो फिक्स रहेगा, ठीक है, इसके सदर से फिक्स रहेगा। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं, कैसा होता है इसका पिक्चर क्वालिटी देख लेते हैं एक बार, इसका क्वालिटी चेक करवाना है। अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है तो अभी ये वेब कैम उसका प्रैक्टिकल टेस्ट करवाना है। ये मेरा वेब कैम है Lenovo FSD 300 300 FSD, तो इसको अभी CPU के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कनेक्ट अभी मैंने कनेक्ट कर दिया, जो LED इंडिकेशन है वो ऑन हो गया, इसका मतलब ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो एक्सटर्नल प्राइवेसी शटर है इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको अभी प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, तो अभी चलिए इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अभी इसको ऐसे इसको लगा दिया, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको लगा दिया, सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, वो जो LED दिखा रहा है ब्लिंकिंग दिखा रहा है। अभी इसका क्वालिटी चेक करवाना है। अभी अलाउ करना चाहते हैं, कंप्यूटर अलाउ करना चाहते हैं, अभी देखिए स्क्रीन आ गया। तो अभी मैं ये कैमरा बंद करना चाहता हूँ और वेबकैम के द्वारा मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। साउंड क्वालिटी कैसे है एक बार देख लेते हैं। हेलो 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 हेलो, ये अभी जो आप रिकॉर्डिंग दिख रहा है ये वेबकैम के द्वारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, साउंड क्वालिटी। हेलो 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 हेलो, लगभग मैं कैमरा के सामने 1.5 फीट दूरी पे है, ठीक है। इसके जो डुअल माइक जो है इसको अभी टेस्ट करने के लिए मैंने साउंड टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो हेलो 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 उसकी टेस्ट हो रहा है। तो साउंड पिक्चर क्वालिटी आप देख ही रहे, बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा नहीं है, काम चल जाएगा। तो अभी ये मैं स्टॉप करना चाहता हूँ और आपको मैंने डिटेल्स सब कुछ दिखा दिया, इसको चेकिंग भी करवा के दिखा दिया। तो हाउएवर ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं इस कमेंट बॉक्स पे आपको जवाब दे देंगे। तो फिर से लेकर आएंगे ऐसे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।